यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे की मदरसों के सर्वे के बीच में अब वक्फ की मनमानी पर भी योगी सरकार चोट करने की तैयारी में है। अब यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भी सर्वे किया जाएगा। अब इसके लिए बाकायदा योगी सरकार ने आदेश जारी किए हैं और इस सर्वे के जरिए वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे और बिक्री को रोकने की भी कोशिश की जा रही है। सर्वे में 75 जिलों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीनें हैं उन्हें वक्फ के नाम से दर्ज कराया जाएगा। साथ ही हर जिले में वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच की जाएगी। तो अब वक्फ बोर्ड के ये कहा जाए कि उसके कुंडली से जुड़ी हुई एक एक चीज सभी के सामने आएगी। इस सर्वे के जरिए वक्फ प्रॉपर्टी के अवैध कब्जे और बिक्री को रोकने की कोशिश की जाएगी। बाकायदा इसको लेकर एक आदेश जारी किया गया है योगी सरकार की तरफ से। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भी सर्वे होगा, यानी कि मदरसों के सर्वे के बीच में ये कहा जाए कि वक्फ की अब मनमानी को कंट्रोल करने के लिए एक अहम आदेश ये कहा जा सकता है। वक्फ के लैंड जिहाद पर यूपी में लगेगा ब्रेक। केजरीवाल राज में ओके, योगी राज में नॉट ओके। योगी के टारगेट पर मदरसों के बाद वक्फ। जमीन खाऊ वक्फ का इलाज करेंगे योगी। टाइम्स नाउ नौ भारत पर दिल्ली में लैंड जिहाद का कारनामा दिखाने के बाद यूपी में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों के सर्वे के बाद वक्फ की संपत्तियों की जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी वक्फ बोर्ड की संपत्ति की एक महीने में जाँच करने का आदेश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूर्व वक्फ बोर्ड में सीबीआई जांच की मांग की, उन्होंने हमारी मांग को स्वीकारा, केंद्र सरकार में ने इसको स्वीकारा, सीबीआई जांच हुई और सीबीआई जांच अभी चल रही है, रिपोर्ट जल्दी आना तय है और उसमें अंदर कई जो है मामलात को टेकअप किया गया था। मेन जो विवाद है वो हमारे क्या जो प्रॉपर्टीज में माफिया का कब्जा है और इलीगल जो है उनकी जो सेल और परचेज की गई है, ये मामले हैं। टाइम्स नाउ नौ भारत ने खुलासा किया था कि किस तरह आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने दिल्ली में स्कूल की जमीन पर कब्जा करके वहां दुकानें बना दी। वक्फ बोर्ड की इसी कब्जा वाली नीति के खिलाफ योगी सरकार ने वक्फ की संपत्तियों की अवैध बिक्री और कब्जे से रोकने के लिए ये कदम उठाया है। वक्फ बोर्ड के जहाँ पे दावे की बात आती है, वक्फ बोर्ड के पास अपनी एक भी स्क्वायर फीट की जमीन नहीं है। वक्फ बोर्ड का दफ्तर भी सरकारी बिल्डिंग में, ये सब निजी वक्फ या धार्मिक रिपब्लिक जो है वक्फ की जमीन है। वक्फ मतलब इंडोरमेंट होता है, मुस्लिम लॉ में या हिंदू लॉ में भी दान का एक जो है वो होता है कि दान कर दी जाती हैं चीज़ें, तो जो संपत्तियाँ या चीज़ें दान कर दी गई हैं उसके लिए वक्फ बोर्ड गठित हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए। हर बात को धर्म के तराजू से तौलने वाले हैदराबाद के भाईजान की पार्टी AIMIM के नेता वक्फ के सर्वे के फैसले में भी धार्मिक एंगल दे रहे हैं। असीम वकार कहते हैं कि वक्फ के सर्वे से पहले योगी सरकार को धर्मशालाओं और मंदिर ट्रस्ट पर जांच करानी चाहिए। सच्चाई है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। मुसलमानों की प्रॉपर्टीज की जाँच, वक्फ की जाँच, मदरसों की जाँच, एक तरफा कार्रवाई। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े धर्मशालाओं के ट्रस्ट हैं, मंदिरों के ट्रस्ट हैं, इनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्या इनमें घपले घोटाले नहीं हैं आपकी नजर में? और अगर हैं तो इनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? नेता मदरसों और वक्फ के सर्वे के फैसले पर सियासत कर रहे हैं, लेकिन यूपी के कुछ मदरसे अनोखी पहल करते हुए खुद सरकार में मदरसों के दस्तावेज जांच के लिए पहुंचा रहे हैं। ऐसी ही अनोखी पहल मुरादाबाद के मदरसा संचालक ने की है। वो खुद जिला अधिकारी के पास कागजात के साथ पहुंच गए। कुछ हमें फॉर्म दिए हैं और क्योंकि जामिया नेमिया हमारा अहले सुन्नत का बरेलवी मसलक का एक जो है वो मरकज है,
तो हमने एनडीएमसीडी साहब से कहा कि ऐसा कि उसको मरकज़ बना देते हैं और जितने भी बरेलवी मसलक के मदारिस हैं उन लोगों को वहां हम आमंत्रित करेंगे और वो अपना डेटा यहां जमा करा जाए। सिर्फ मुरादाबाद के ही मदरसा संचालक नहीं बल्कि सूबे के 50 से अधिक मदरसा संचालक ने सर्वे की प्रक्रिया में सरकार और प्रशासन का साथ देने का फैसला लिया है। यूपी में ही कुछ ऐसे मदरसे भी हैं जो सरकारी मानकों की अनदेखी कर रहे हैं, जिसकी मिसाल है चंदौली का ये मदरसा। यूपी सरकार के अधिकारी जब चंदौली मदरसा के सर्वे के लिए पहुंचे तो उन्होंने पाया कि मदरसों का संचालन तय मानकों के मुताबिक नहीं हो रहा है, क्लासरूम की हालत जर्जर है, मदरसे के अंदर गंदे पानी से भरा ये गड्ढा है, दीनी तालीम के अलावा व्यवहारिक शिक्षा की तालीम न के बराबर दी जाती है और अंग्रेजी का तो इन बच्चों को जरा भी ज्ञान नहीं है। सरकार का ये मकसद है कि शिक्षा का स्तर सुधारा जाए और जो शिक्षा मिल रही है वो बेहतर हो। इसके क्रम में यहाँ हम देखने आए थे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास मौजूद है, किसी से मान्यता प्राप्त हैं, कहाँ के बच्चे हैं, ये सारी बिंदु, कहाँ से इनको पैसा मिलता है, अगर एडेड नहीं है तो पैसे का सोर्स क्या है, ये सब जाँच करें। यूपी की योगी सरकार इसी तरह के मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए सर्वे की पूरी कवायद कर रही है, जिस पर सियासी दल सियासत कर रहे हैं। जबकि योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड के सर्वे का फैसला इसलिए लिया क्योंकि वक्फ ने लैंड जिहाद को अपना नया हथियार बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।